चोणां दे दौरान सांसद मीत हेयर दे घर दे बाहर स्कूल दे अध्यापक अपनियां मंगां नूं लै के धरना प्रदर्शन करन पहुंचे। इस दौरान घर दे बाहर अध्यापक अते पुलिस दे विचकार जम के धक्का मुक्की होई। इस दौरान महिला अध्यापक भी बुरी तरह जख्मी हो गए। इस दौरान झड़प इन्नी ज्यादा वध गई कि अध्यापकों ने सांसद दे घर दे सामने पुलिस द्वारा लगाई बैरीकेडिंग भी उखाड़ दी। अध्यापकों के पक्ष दे विच उतरे किसान यूनियन के आगुआ ने भी पंजाब सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों का कहना है कि पुलिस ने उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जिस कारण उन्होंने गुस्सा सत्तवें आसमान से पहुंच गया। अध्यापकों का कहना है कि लंबे समय तो स्कूलों के घट तनखाहों से काम कर रहे हैं, पर सरकार उन्होंने मंगा नहीं मान रही, जिस कारण उन्होंने यह तरीका अपना पाया। इस झड़प के जख्मी हुई अध्यापक सुखदीप कौर ने कहा कि वह मंगा मनवाने लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पर उन्होंने सरकार वालों अणगोलिया किया जा रहा है। हर बार सिक्ख्या मंत्री यह कह के अपना पला झाड़ देंगे ने कि तुहाडियां मंगां दियां फाइलां मुख्यमंत्री दे टेबल उत्ते पईयां ने, पर साडियां समस्यावां दा हल अजे तक नहीं होया। असी शादमई तरीके नाल अपना जिहड़ा प्रदर्शन जिहड़ा सी ओह कर रहे सीगे, ते सानू हले तक कह लो भी प्रशासन वालों कोई मीटिंग नहीं दित्ती गई। फिर असी बैरीकेड तोड़े, साडे नाल हत्थों पाई होई, मेरे सट भी लगी है, मतलब कि कह लो भी साढ़े नाल कह लो भी एक सानू पता ही नहीं चल रहा भी देखो एक एक अपने हक लैन के लिए असं आए हैं भी साढ़े नाल के जोड़े आदर्श स्कूल कई ने उन्होंने पूरा ग्रेड पे मिल रहा है तो सानू नहीं मिल रहा। तो असी सीएम साहब जोड़े साढ़े चेयरमैन है असी उन्होंने अगर बार बार यही मंग कर रहे हैं, पिछले 3 सालों तो मीटिंग्स भी असी उन्होंने पर हाले तक हल कोई नहीं निकलिया, साड़िया मंगा कोई हजे तक पूर नहीं पाया। असी कह लो सीएम साहब को यही फरियाद करते हैं, एक कह लो असी फरियाद ही कर रहे हैं, ये नहीं कि असी उन्होंने कोई हुक्म चला रहे हैं कोई दबाव पा रहे हैं भी साड़ी जी फाइल जी उन्होंने टेबल पर पई किन्नी बार रोल चुकी है। रोलन वाली गल है क्योंकि देखो डिपार्टमेंट मीटिंग्स करता है उन्होंने नाल, बट कह लो वो आते ही नहीं है, साड़ी फाइल उदा की उदा ही पई है। तो असी सरकार को मंग करते हैं कि साड़ी जी टेबल पर पई फाइल में सिग्नेचर कर जो बंदे राइट्स ने साडे जिहड़ा ग्रेड पे है वो सानू दिता जाए। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਧੱਕਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਚ ਸਾਫ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। मेरा नाम संजीव है जी, असी नवांशहर तो आए हैं जी। प्रोटेस्ट साडा यही सीगा जी कि साडी डिमांड है कि जेहड़े आदर्श स्कूल है इन्हां दी तनखाह जिहड़ी इको जी की जाए, ग्रेड पे लागू किया जाए। कोर्ट का फैसला भी आ गया परंतु फैसला सरकार लागू कर नहीं रही, साडी फाइल जिहड़ी है उहनां ते साइन नहीं हो रहे। असी तो साडे हत्थां च पेपर है जी, असी तो कोई आतंकवादी नहीं है, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा आए हैं, साड़िया तनखाह लागू कर देना, असी इतने की करना धरने धुरने ला के, साडा काम है बच्चों को पढ़ाना, ना कि इदां दे काम करना। मैम दे सट लगी है, वो बेचारे दे हाथ च कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं, एक असी अपने नुमाइंदे दे घर अपना दुख दसण आए सीगे। जे नुमाइंदे दे घर दुख दसना भी साढ़े ते डांगा फेरनी आ जां सानू जिहड़ा हैगा वो बाहर तकना है तो यह तो माड़ी गल है। असी पहला भी मीडिया के थ्रू साढ़े जिहड़े प्रधान है उन्होंने दस चुके सीगे जिहड़ा हैगा असी इत्थे आना है, प्रशासन ने पहली आगाह किया होया सी कि असी 27 नूं इत्थे जिहड़ा हैगा वो रोस प्रदर्शन करना है, तो असी आना तो अपनी डिमांडा रखनियां। कोई प्रशासन का बंदा जिहड़ा साडी डिमांड फड़न नहीं आया, जां कोई भी साडा नुमाइंदा जिहड़े असी चुने होए वोटां पा के चुने होए आ वो कोई नहीं लैण आया। तो जे असी उन्होंने घर आ रहे हैं तो यह मतलब यह नहीं है कि सानू धक्के मारो, घर आया नूं तां कहिंदे दुश्मन भी धक्के नहीं मारदा जिदा ये सरकारां धक्के मार रही। एक गलत गल है, साडी आवाज़ जिहड़ी है वो सुननी चाहिए है, तो जल्द तो जल्द जिहड़ियां इह साडियां मंगां इह पूरियां करन। साडी इक्को ही मंग सैलरी, होर तो कोई मंग ही है नहीं कि जे बाकी स्कूलों तुसीं 50-50 हज़ार 45-45 हज़ार सैलरी दे सकदे हैं तो सानू साडी उह जिहड़ी है इक्वल की जाए, पे ग्रेड जिहड़ा हाई कोर्ट ने कहा वो लागू किया जाए जी। धन्यवाद। अज की नाम तुहाडा जी? मेरा नाम सुख गिल, मोगा सूबा प्रधान भारतीय किसान यूनियन तोतेवाल। सर पिछले लंबे समय तो
आदर्श स्कूल टीचर यूनियन की हमायत के भारतीय किसान यूनियन तोतेवाल ने पहला जीरे के लम्मा संघर्ष लड़िया, दिन रात सड़कों पर बैठे रहे एम एल ए नरेश कटारीए का घर घेरिया। उस तो बाद हरपाल चीमा जी नाल ते सिक्ख्या विभाग के अधिकारियों के नाल साडी मीटिंग होंदी रही, उहदे विच सानू विश्वास ही दवाई गए कि तुहाडियां तनखाहां जिहड़ियां वध जाणगियां, टीचरां दियां तनखाहां जिहड़ियां वधा दांगे बहुत जल्दी। पर अज भी असी इत्थे जिमणी चोणां हो रहियां सी ते असी मीत हेर जी कोल सिर्फ सवाल पुछण आए सी कि साडियां तनखाहां जिहड़ियां टीचरां दियां क्यों नहीं वध रहियां। पर इत्थे प्रशासन ने अगों साडे ते डांगा चलाईयां, बैरीगेट असी सिर्फ प्यार नाल उहनां नूं कहा सी कि सानू उहनां दे दरवाजे तक जाण दो, पर पुलिस ने साढ़े ते टीचरां ते सारियां ते लेडी टीचरां ते डांगा चलाईयां। कोई भी लेडी कांस्टेबल है नहीं सी इत्थे पुलिस मुलाजम जिहड़े कि लेडियां नूं अगों कवर करदे। इत्थे जिहड़े पंजाब पुलिस दे अधिकारी सी उहनां ने साढ़े टीचरां ते सट्टां भी लाईयां, डांगा भी मारियां ते धक्का मुक्की भी कीता। असी इस गल की भारतीय किसान यूनियन तोतेवाल वालों निखेधी करते ते मीत हेर जी नूं ते पंजाब सरकार नूं कहने कि जिन्नी देर साढ़े नाल आ के कोई इत्थे गलबात नहीं करता, मीत हेर नहीं आउंदे जां पंजाब सरकार दा कोई अधिकारी नहीं आउंदा, असी इन्हां दे बार दे विच पक्का धरना ला के बैठांगे। साडी जथेबंदी दी टीचर यूनियन नूं फुल हमायत आ जी। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 16 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਆ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਰਗੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਆ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 10, 300, 12, 12,000 ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ? ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਬੱਚਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਲੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ।